माना कि आपको आयशा और उसकी फैमिली नहीं पसंद थी, लेकिन मुझे पसंद थी। माँ बाप अपने औलाद के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं, और आप अपनी अना की वजह से मेरी जिंदगी पर बात करने लगे। देखो साहब, लिसन टू मी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा था, और गलत समझता रहा मैं, मगर अब मेरी सारी गलत फहमियां खत्म हो गई हैं। मैं तो आपकी मोहब्बत में आया था, आपकी बीमारी की वजह से मैं भागा चला आया, और आपने मेरी मोहब्बत का गले ही घोट दिया। फाइक का गम अपनी जगह बेटी, उसका दुख तो शायद जिंदगी भर कम नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी, है ना, खुद को संभालना होगा मेरे बच्चे। जो कुछ भी हुआ उसमें इस बच्चे का क्या कसूर? काश फाइक जिंदा होता, कितना खुश होता इस खबर को सुन के। मामा मम्मा प्लीज खुद को संभालें, कम से कम अनम का तो ख्याल करें। नहीं नहीं नहीं, तुम मत रो अनम, ये तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ये देखो मैंने साफ कर ली, मैंने भी अपने आंसू साफ कर लिए, अब हम बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, बिल्कुल नहीं रोएंगे। फाइक का दुख अपनी जगह, लेकिन अब हम इस बच्चे के लिए हमेशा मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे। आयशा, अनम के मसाइल में तुम्हारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, कितनी कमजोर हो गई हो तुम, जबकि तुम ससुराल से आई थी तो अच्छी खासी सेहत थी तुम्हारी। लग रहा था कि साथ में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। आयशा सब खैर है ना? तुम्हारे और सात के बीच में सब ठीक है ना? आयशा भाई साहब को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, और फाइक के इंतकाल के बाद तो भाई साहब बिल्कुल ही टूट चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी में भाई साहब को इतना उदास और परेशान नहीं देखा। शायद बेटियों का दुख किसी तरह बाप की कमर तोड़ देता है। और अब नई जिम्मेदारियों का बोझ उनके सर पे आ पड़ा। अनम के घर में तो कोई मर्द है ही नहीं,
उसके सारे मामला भी भाई साहब को ही देखने पड़ेंगे। यकीनन भाई साहब उसके बच्चे का दिलो जान से ख्याल रखेंगे, मगर मगर फिर भी बाप की कमी दुनिया का कोई भी शख्स पूरी नहीं कर सकता। तुम खुश नसीब हो कि साथ माशाल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चे पे उसका बाप का साया मौजूद है। देखो ऐसा मैं तुम्हें यही कहूंगी कि कुछ भी करके किसी भी तरह अगर तुम्हारे साथ मसाइल हैं तो उन मसाइल को खत्म करो, साथ के साथ अपने मामला ठीक करो। देखो अगर तुमने कोई भी गलत फैसला किया ना तो सोचो कि भाई साहब सबका बोझ किस तरह उठाएंगे, बूढ़े हो गए हैं वो, कुछ तो ख्याल करो अपने बाप का। मैं फिर यही कहूंगी कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे बच्चे का बाप अभी जिंदा है, और हर बाप अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ करता है जो कि उसके इख्तियार में होता है। तो फिर तुम तो माँ हो ना, तुम्हारे इख्तियार में है, तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम अपने बच्चे को बाप के साए से महरूम ना करो। अनम को देखो, वो चाहकर भी फाइक को वापस नहीं ला सकती, अपने बच्चे की जिंदगी की ये कमी पूरी नहीं कर सकती, मगर तुम कर सकती हो। अपने इख्तलाफात में अपने बच्चे के सर से उसके बाप की शफकत मत छीनो। खुदा के लिए, खुदा के लिए ऐसा बेहतरीन फैसला करो, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए। जब इंसान की औलाद हो जाती है ना तो फिर वो अपने लिए नहीं सोचता, अपनी औलाद के लिए सोचता है। आगे तुम्हारी मर्जी। देखिए फायक, अल्लाह ताला सबर का फल देता है। अल्लाह ताला ने मुझे जीने की उम्मीद दे दी, वरना आपके जाने के बाद तो मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी हालत में ऐसी बातें नहीं करते बेटा। क्या करूं अम्मी, हमारी ये खुशी भाई की जुदाई से जुड़ी है। भाई मेरा भी बेटा था, उसके जाने का बहुत दुख है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू और भाई की होने वाली औलाद पर इसका असर हो। जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम मिलकर गुजार सकते। बहुत दिनों से एक बार मेरे दिल में थी और मैं चाह रही थी कि तुमसे करूं। पहले की बात कुछ और थी अनम, पर अब तुम अकेली नहीं हो। फाइक की औलाद तुम्हारे साथ है। आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? बेटा जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती, आज नहीं तो कल तुम्हें भी किसी ना किसी के सहारे, किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी।
और अगर तुम ऐसा सोचो तो मेरे भाई की औलाद मुझे दे जाना। आप सोच भी कैसे सकती हैं अम्मी कि मुझे किसी और के सहारे की जरूरत है। फाइक मेरी जिंदगी थे अम्मी, मैं उनकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। और किसने कहा मैं अकेली हूँ? मेरे पास आप हैं, मेरे पास मेरा होने वाला बच्चा है, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं ये बात अपने जहन से निकाल भी दूं, फिर भी ये माशरा, तुम्हारी फैमिली, अम्मी आप उन सबको छोड़ें, मेरी फैमिली कभी भी मुझे मजबूर नहीं करेगी। और मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरा फैसला ये है कि मैं आपके साथ इस घर में अपनी औलाद के साथ जिंदगी गुजारूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वीकनेस की वजह से इन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। यू नीड टू बी केयरफुल नाउ, और कोशिश कीजिएगा जितनी इनकी केयर कर सकते हैं करें, और स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखिएगा। जी डॉक्टर। देखो ऐसा, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि कुछ भी करके, किसी भी तरह अगर तुम्हारे साथ मसाइल हैं तो उन मसाइल को खत्म करो, साथ के साथ अपने मामला ठीक करो। देखो अगर तुमने कोई भी गलत फैसला किया तो सोचो कि भाई साहब सबका बोझ किस तरह उठाएंगे, बूढ़े हो गए हैं। कुछ तो ख्याल करो अपने बाप का। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा। क्या हुआ आंटी को? देखो मुझे पता है कि मेरा कोई हक नहीं है उसे ये बात कहने का, मगर अगर हो सके तो तुम घर आ जाओ। मां तुम्हें बहुत मिस करती हैं, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। हेलो हेलो ऐसा, सुन रही हूं। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि मेरी तरफ से कोई शिकायत होगी।
और अगर हो सके तो प्लीज आ जाओ। फिजा, मैं सोच रहा था कि अंकल के बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। ये पार्टनरशिप मुझे बेहतर नहीं लग रही उनके लिए। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन इवेंट मैनेजमेंट। व्हाट यू थिंक फिजा? फिजा क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं। चलो जो आम सोच रही हो वही बता दो। वो मैं सोच रही थी कि अब तक तो रिपोर्ट्स आ गई होंगी ना। हाँ, फाइट के इंसिडेंट की वजह से आई कंप्लीटली फॉरगॉट। डोंट वरी, मैं ले आऊंगा कल जाकर। लेकिन एक बात, रिपोर्ट्स में चाहे जो भी लिखा हो, कुछ भी हो, हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा। प्लीज कीप दैट इन माइंड। I'm always with you. Nagma? Ji bhai sahab. Nagma? Aayi. Ji. Baitho zara. Kya hua bhai sahab? आयजा से कोई बात हुई है तुम्हारी? आयजा से तो दिन में 10,000 बातें होती हैं। आप किस हवाले से बात करें भाई साहब? मेरे पास आई थी, वो वापस अपने घर जाने का कह रही। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया। लेकिन वापस अपनी गलत की वजह से वापस जा रही है। भाई साहब, अल्लाह पाक अगर सबब और वजह बना रहा है तो कोई ना कोई मसलहत तो होगी ना। ऐसे ही तो नहीं किस्मत बार बार उसे उस दर पे लेके जा रही है। भाई साहब, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पता नहीं क्या लिखा है मेरे बेटियों के नसीब। एक बस की उजड़ गई और दूसरी बस ही ना। अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद है बस, जिसके सारे जी रहे। भाई साहब देखें, निगाह जो है मुझे बहुत ही समझदार खातून लगती है और मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, इस मसले का हल निकालेंगे। अच्छा, आप ज्यादा सोचें मत, आप बस दुआ करें। आपकी दुआएं ही आपकी बेटियों को लगेंगी। चल, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी बहन के पास ताज़ियत करने के लिए नहीं जा सकी। इट्स ओके आंटी, आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। फैक भाई कैसे हैं? कैसी तबीयत है उनकी? आपको पता है वो 10 हादसे के बाद बिल्कुल टूट से गए। मैं जानती हूँ, लाइक भाई जैसे
मोहब्बत करने वाले बाप अपनी बेटी को उस तकलीफ में देखे किस अजियत से गुजर रहे होंगे। उनका बस चले तो वो अपने बेटे की सारी तकलीफों को अपनी झोली में डाल लें। जी कुछ बाप डैड जैसे होते हैं जो अपनी औलाद को नसीब में दो चार कर देते हैं। काश डैड ऐसे नहीं होते तो हमारी फैमिली कितनी परफेक्ट होती। खैर प्लीज नाश्ता कीजिए। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम भी नाश्ता करो, देखो कितनी कमजोर हो गई हो, अपना ख्याल नहीं रखती क्या? आंटी मैंने नाश्ता कर लिया। कोई बात नहीं, फिर से नाश्ता कर लो मेरे साथ, इस हालत में तो वैसे भी ज्यादा जरूरत होती है हर चीज की। बस आंटी हम ठीक कह रही हैं, तुम अपने डैड का कंट्रोल करना चाहिए ना, ख्याल रखना चाहिए। तुम जूस पियो, मैं तुम्हारी नाश्ता लाऊं। मैं नाश्ता कर लिया आंटी, मुझसे अभी नहीं खाया जाएगा। आप खाएं, आप बताएं आपको मैं, आप क्या खाएंगी? थोड़ा सा नाश्ता कर लो ना, देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम, अपना ख्याल रखा करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं कर लूंगी, अभी आप नाश्ता शुरू करो। तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम अपने बच्चे को बाप के साये से महरूम ना करो। अनम को देखो, वो चाहकर भी फाइक को वापस नहीं ला सकती। जी आप भी सब ठीक है? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ, आप भी बस वो अब्बू घर आ रहे थे तो उनको थोड़ी सी चोट लग गई है। मिस्टर दानिश, आपकी रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं, बट आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब के सब कुछ ठीक है? Is everything all right? मिस्टर दानिश, आपकी रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं, बट आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। She has severe endometriosis, and it's very difficult कि ये इस सिचुएशन में ये प्रेग्नेंट हो सके। डॉक्टर साहब, इलाज तो होगा? बिल्कुल है इसका इलाज, बट वो कितना अफेक्टिव है और प्रेगनेंसी से हो सकेगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते। मैं इनके मजीद टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो टेस्ट हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला इनका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। डोंट वरी, अल्लाह की रहमत से आप मायूस ना हो, अल्लाह पाक इंसान को जब चाहे नवाज देगा। आप दुआ करें, ट्रीटमेंट करें इंशाल्लाह ताला। इज़्ज़त, तुम्हें डॉक्टर की बात पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं और ना ही मायूस होने की जरूरत है। अल्लाह बहुत ताकत रखने वाला है और मौत से करने पे कादर है। मेरे ख्याल से हमें सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए डॉक्टर से, तुम क्या कहती हो? इज़्ज़त, तुम रो रही हो? इधर देखो फिजा, इतने आंसू,
क्या तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत काफी नहीं है? मेरे साथ होते हुए तुम्हें किसी और चीज की कमी महसूस होगी। मगर बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा यार, अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो सही, नहीं है तो नहीं। हम एक दूसरे के साथ खुश रह लेंगे। अगर मैं नहीं चाहता तुम इस वजह से रो, और आइंदा के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू मत देखूं। वादा करो आइंदा तुम रोगे। प्लीज। थैंक्स। इतनी लंबी दुआएं मांग रही थी, चाय ठंडी हो गई, मैं गर्म करके लेके आऊं। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही पी लूंगी, गर्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं माशाल्लाह, इस घर की बेटियां भी तो पांच पांच हैं, सबके लिए दुआएं मांगती हो ना, तो टाइम तो होता ही है। सच कहूं नगमा, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम बेटियों पर इतनी मोहब्बत निछावर करती हो। मोहब्बत तो मुझे हमेशा से ही थी इन सबसे, लेकिन माजी ने जिंदगी में इतनी तलखियां घोल दी, इतनी कड़वाहट भर दी कि जबान से सिर्फ और सिर्फ जहर ही निकलता था। लेकिन फिर एक के बाद एक भाई साहब की परेशानियां, बेटियों के दुख, ये सब कुछ देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा दुख तो बहुत पीछे रह गया, अब इनके दुख ही मेरे दुख हैं, इनकी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। अब मेरी खुशी और मेरा हम बस इन्हीं लोगों से, ये दुखी है तो मैं दुखी हूँ, ये खुश है तो मैं खुश हूँ। बस मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां भाई साहब की तमाम बेटियों को सुख नसीब करें, खुशियां दें, आयजा के मसाइल हल हो, फिजा की दुआएं पूरी हों, आनिया खुश रहे, कोमल के मुस्तकबिल के लिए दुआ करती हूँ, अनम की औलाद के लिए दुआ करती हूँ। आमीन। देखो ये बेटियां भी कितनी साबिर होती हैं, इतनी आसानी से सारे दुख सह जाती है। ऐसा कोई देखी कभी भी उसने उफ तक नहीं किया, हमेशा सब्र से ही रहती रही। मुझे लगता है कि अल्लाह ने बेटियों के खमीर में ही सब्र और शुक्र रखा है। पहाड़ जैसे दुख सह जाती है। अब अनम को देख लो, उसे देखते कि मेरा दिल बहुत कुड़ता है। सबसे ज्यादा नेक बच्ची थी वो, उसका इम्तिहान भी सबसे कड़ा हुआ। उम्र तो नहीं थी उसकी बेवा होने की, पर संभाल रही है खुद को, कोशिश कर रही है जीने की सब्र और शुक्र के साथ। अल्लाह पाक से भी फरमावरदार और सौले औलाद इंशाल्लाह। नहीं अंकल, वो अब तक यहाँ पे नहीं आया, एंड आई डोंट थिंक ही विल कम हियर अगेन। अलैकुम। एंड आई एम रॉन्ग, ही इज हियर। थैंक गॉड। कम से कम नौकरी छोड़ देने वाली बेवकूफी नहीं दिखाई उसने। एनीवेज, लिसन, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यस आई नो, टॉक टू यू लेटर। ओके, डू दैट। मैंने ईमेल कर दिया अपना रेजिग्नेशन, ठीक है, मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।
साद, थैंक गॉड तुम आ गए। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की। आई नो तुम बहुत अपसेट हो। आबिद अंकल ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन बिलीव मी साद, मैं इसका पार्ट नहीं थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आबिद अंकल ये सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रहे। मैं समझ रही थी कि वो सिर्फ एक बाप होने के नाते तुम्हारी जिंदगी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इस सब के पीछे उनका कोई एजेंडा है। बिलीव मी साथ। साथ, ट्रस्ट मी, मैं इसका पार्ट नहीं थी। साद, I really like you. Trust me, मेरी feelings fake. तुम्हारी feelings जो भी हों मेरा उसका कोई concern नहीं है। मेरी feelings मेरी बीवी के लिए और सिर्फ मेरी बीवी के लिए। लेकिन तुम तो उसे divorce देने वाले हो। मेरा personal matter है। मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि जो मैं अपने personal matters discuss करूं। मैंने अपना रेजिग्नेशन ईमेल कर दिया आपको। मैंने गाड़ी की चाबी और ये USB, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। काम खत्म। It was a pleasure working with you. Goodbye. आप रो रही हैं? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? इधर देखिए। मुझसे भाई साहब का दुख देखा नहीं जाता। अनब का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो तिल तिल मर रहे हैं अंदर ही अंदर। वो आप ऐसी बातें ना करें, अल्लाह उनको मेरी भी उम्र लगा दे। मेरी भी यही दुआ है कि आप मेरे भाई को लंबी जिंदगी दे, मगर अपने हिम्मत वाले भाई को जब बिखरता हुआ देखती हूँ तो दिल कटता है मेरा। वो आप हिम्मत करें, आप इस तरह रोएंगी तो हमें कौन संभालेगा? बेटा, घर के बड़े कोई पत्थर थोड़ी होते हैं, ये कभी टूटे ना। कभी कभी तो हम ऐसी काली जरब देते हैं कि चट्टानें भी टूट जाती, निखर जाती है, हौसले टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और गम दुख आंखों के रास्ते बहने लगते। अच्छा, मैं पाची को फोन करती हूँ, वो आएंगी ना तो। अरे नहीं नहीं, उसे परेशान मत करो। अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां उठा रही है, मसरूफ है, मसरूफ रहने दो। तो मैं भाई साहब को मेडिसिन दे दूँ। अब्बो, हमारी आजमाइशें कब खत्म होंगी? जाने बेटा, बस दुआ करो कि ये जो हमारे इम्तिहान है इसमें अल्लाह हमें हौसला दे, सब्र दे, हिम्मत दे। परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो। ये आजमाइशें भी एक न एक दिन खत्म हो ही जाएंगी। अल्लाह चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा।
आप यहाँ क्यों ले आए? इतने दिनों से तुमने शॉपिंग नहीं की थी, सोचा तुम्हें कुछ ले देते। मुझे कुछ नहीं लेना था, पर मुझे अपनी बीवी को कुछ लेकर देना। तुम देखो। हेलो, जी जी जी, आई एम लिसनिंग। यस, आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। रियली? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोमल, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? जी, आप भी सब ठीक है। तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ, आप ही बस वो अब्बू घर आ रहे थे तो उनको थोड़ी सी चोट लग गई है। या अल्लाह, खैर अबू ठीक तो है ना? उनको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं आप टेंशन नहीं लें, वो बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। पर क्या? अबू बहुत चुप चुप रहते हैं, आप भी बहुत बहुत दुखी रहते हैं। कोमल, अबू को बताओ, उनको समझाओ कि अब दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है इसमें। समझाते हैं लेकिन समझते ही नहीं। शायद आप आ जाए तो तुम मामू से बात करके देखो ना, मामू को बोलो उनसे बात करें, वो उनकी बात तो सुनते हैं ना। इस मामले में मामू कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शायद आप इधर आ जाए तो अबू ठीक हो जाए। कोमल, मैं घर नहीं आना चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, यहाँ पर मेरे फायक की यादें हैं। प्लीज अबू को ये बात समझाओ। आप ही? क्या कोई बेटी अपने बाप को किसी और बेटी की टेंशन लेने से रोक सकती है? क्या बाप अपनी बेटी की खुशियां नहीं चाहता? कोमल, मैं खुद भी तो बेबस हूं ना, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अच्छा, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, मैं अबू से खुद बात करूंगी। तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत से कामों का बर्डन है, तुम अपना ख्याल रखना, बाद में बात करेंगे। एक चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली। मीठे दो नैन तेरे, दो नैनों में तारे